हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम पीएनएसटी, जीएनएसटी या नर्सिंग कोर्स के लिए आप हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाइए, तो आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। और यदि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना रहता है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो टॉपिक वाइज आप कौन सा टॉपिक पहले मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डाउट है, आप केमिस्ट्री पहले पढ़ना चाहेंगे, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, तो उसके ही वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि हम आज से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो एग्ज़ाम कभी भी हो, जब भी एग्ज़ाम होगी तो हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही चुका होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊँगी जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और दो तीन बार आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा जिससे आपकी एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र। तो ये आप लोगों के नीट की परीक्षा, एनएम एग्ज़ाम, जीएनएसटी या पीएनएसटी सब में कॉमन टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों के एक कॉमन टॉपिक की लिस्ट बना ली है जिसमें जो लगभग सभी एग्ज़ाम में कॉमन है पहले हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। बट यदि आपकी डिमांड आती है कि मैम पहले ये वाले टॉपिक कवर अप करवाइए और यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा बना रहता है तो आप लोगों को सबसे पहले उनके ही वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। आप लोगों को मालूम होगा मानव ये जो स्ट्रक्चर है आपने क्लास ट्वेल्थ में, क्लास नाइन टेंथ में देखा ही होगा, छोटी क्लासों में भी। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर लेंस है, आयरिस, ये हमारा कॉर्निया दिखाई दे रहा है अलग अलग कॉलर में, रेटिना। अब इसकी देख लेते हैं हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की नेत्र की क्षमता को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। मीन्स क्या होगा कि जैसे आप अचानक से अंधेरे में जाते हैं फिर रोशनी में जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लगता है। तो ये क्या है कि जो मानव नेत्र या लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, यानी आप पास की वस्तु को देख रहे हैं या दूर की वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार उसकी फोकस दूरी एडजस्ट हो जाती है और इस एडजस्टमेंट करने की क्षमता को ही कहा जाता है समंजन क्षमता। जब मांसपेशियाँ शिथिल यानी स्टेशनरी होती हैं तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी निश्चित हो जाती है और अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाते हैं, यानी दूर स्थित वस्तुओं की बात की जा रही है। और जब किसी वस्तु को नेत्र के पास में लाया जाएगा तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब आपको बनाना है तो मांसपेशियाँ क्या होंगी, आपके नेत्र लेंस पर दबाव डालेंगी, जिससे जब दबाव डलेगा तो जो लेंस की वक्रता त्रिज्या है वो इस प्रकार से समायोजित हो जाएगी कि लेंस की फोकस दूरी ऑटोमेटिकली कम हो जाए और आप फिर से प्रतिबिंब आपका रेटिना पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी दो टाइप से हो रहा है, यदि आप दूर की वस्तु को दे रहे हैं तो शिथिल हो जाएंगी यानी फैल जाएंगी और पास की वस्तु को देख रहे हैं तो उस पर दबाव डाला जाएगा जिससे दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बने और वस्तु आपको क्लियर दिखाई दे। अब देख लेते हैं कि मानव नेत्र में किस किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं और उन दोषों का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले दृष्टि दोष क्या होता है, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है यानी कि एडजस्टमेंट की पावर कम हो जाएगी, यानी कि वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ना तो शिथिल कर पा रहा है ना ही उस पर दबाव डाल पा रहा है, तो वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के या तो आगे बनेगा या कभी पीछे बनेगा। इसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। यानी कि मान लीजिए देखिए आपकी रेटिना है तो कभी क्या हो रहा, रेटिना के थोड़ा सा पीछे या रेटिना के थोड़ा सा आगे तो वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी। तो किस किस प्रकार के मानव नेत्र में दोष पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो मानव नेत्र में कुछ निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, बहुत बार क्या होता है कि निकट और दूर दृष्टि दोष में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, बट ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें रेटिना से पहले यानी निकट में आपका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उस व्यक्ति को क्या होगा कि पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। क्यों होता है ऐसा,
क्योंकि जो नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर नहीं होकर, यानी यहाँ ये आपकी रेटिना है, यहाँ पर इसकी इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ नहीं बन के ये यहीं पर बन जाता है, पास में आ जाता है। इसलिए जो बिंदु से दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को वो नहीं देख पाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? निकट दृष्टि दोष होने के पहले तो कारण देख लेते हैं कि जो वक्रता है नेत्र लेंस की वो बढ़ जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। यानी कि ये जो वक्रता दिखाई दे रही है आपको ये नेत्र लेंस की, ये बढ़ गई है, ये मतलब बड़ा हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो किरणें यहाँ मिलनी थी वो यहाँ नहीं मिलके पहले ही मिल जा रही है। दूसरा हो रहा है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, यानी कि व्यास तो आप जानते होंगे, इसका व्यास भी बड़ा हो गया है। अब इसको कैसे दूर किया जाएगा? इसमें तो सबसे पहले क्या होगा कि रेटिना के पहले ही फोकस हो जा रही है, इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दोगी। अब इसका निवारण करना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका व्यास को कम करना पड़ेगा और उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे क्या है किरणें जो पहले फैल रही थी या पहले जो मिल जा रही थी हमारी रेटिना के पहले, वो रेटिना पर जाके मिले जाए। तो देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले उचित फोकस दूरी, यानी आपका जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें अनंत से ये जो किरणें अनंत से आ रही हैं वो इस अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, नेत्र के दूर बिंदु से। और इसके कारण ये क्या होंगी, अब यहाँ नहीं मिलके पहले यहीं मिल रही थी, अब यहाँ नहीं मिलेंगी और कहाँ मिल जाएंगी, आपकी रेटिना पर, पहले यहाँ से ये ऐसे जाके ऐसे मिल जा रही थी इस प्रकार से, तो रेटिना पर बन जाएगा और अब वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पहले बन जाता है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस डिटेल स्टडी के साथ साथ इसमें से ही ऑब्जेक्टिव्स भी बताते जाऊंगी ताकि आपको समझ में आने लग जाए। तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना के पीछे या पहले या फोकस तल पे, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जाता है और उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है या प्रतिबिंब बनता है या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है उनका अपवर्तन होता है। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये दोनों दोष एक दूसरे के उल्टे, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है, सबसे जो पास का बिंदु है 25 सेंटीमीटर, अब 25 की जगह ये 24 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखता है तो इसको धुंधली दिखाई देगी, यानी अधिकतम इसे 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में रेटिना यहाँ है और ये रेटिना के पीछे बन रहा है, इस कारण इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। यानी आपकी यदि आपको क्लियर देखना है तो आपको कहाँ रखनी पड़ेगी दूरदृष्टि दोष, ये अधिक दूर बिंदु क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, इससे करीब लाते जाओगे तो और आपको वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसके क्या कारण है, अभी कारण भी इसके उल्टे होंगे, यहाँ पर वक्रता क्या हो गई, ये कम हो गई जिससे फोकस दूरी बढ़ गई और मांसपेशियाँ क्या हो गई, ये क्षीण हो गई, वहाँ पर क्या हो रहा था कि उसका व्यास बढ़ जा रहा था, यहाँ पर व्यास कम हो जाएगा। अब इस दोष के कारण क्या हो रहा है कि जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण में क्या किया जाएगा, जैसे निकट दृष्टि दोष में हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया था, आप कभी भी दर्पण ना लिखें, हमेशा लेंस लिखना है आपको, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।
आप छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि दूर स्थित वस्तुएं दूरदृष्टि दोष है, तो यहाँ पर दूर की वस्तुएं हमेशा ध्यान रखिएगा आप क्लियर दिखाई देंगी, जबकि पास की वस्तुएं आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये उत्तल लेंस लगा दिया गया है, जिससे ये किरणें क्या हो गई जो पीछे बन रही थी इसने इनको संकुचित कर दिया है, और फैलने की बजाय ये क्या हो गई यहाँ जो मिल रही थी अब वो पहले ही मिल जाएंगी और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जरा दृष्टि दोष, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नेत्र की मांसपेशियाँ भी दुर्बल होती जाती है, इस कारण से जो एडजस्टमेंट पावर है या समंजन क्षमता है वो कम होती जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती और इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इस दोष के क्या कारण है कि जो मांसपेशियों की शक्ति कम हो गई, उसमें लचीलापन कम हो गया, लचीलेपन में कमी हो गई, तो उसके कारण इसमें जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। निवारण कैसे किया जाएगा, इसमें द्विफोकसी लेंस या बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति किस प्रकार की उसमें दृष्टि बाधिता होती है, किस प्रकार का उसको दिखाई नहीं देता, तो दूर और पास दोनों का इसके क्या कारण है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी और नेत्र लेंस में लचीलेपन की कमी के कारण। इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए, आपको ध्यान रखना है द्विफोकसी लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस यानी अवतल और उत्तल दोनों लेंस इसमें होते हैं। ऊपरी भाग में किस प्रकार का लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसी टाइप के, और आप क्या करते हैं कि सिर्फ वन लाइनर फैक्ट पढ़ते जाते हैं और फिर गलत भी हो जाती है। यदि आप टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर इनमें से ही खुद या मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ एक एक ऑब्जेक्टिव को शट आउट करने की, तो स्टेप से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चश्मे के ऊपरी भाग में किस प्रकार का लेंस होता है, अवतल, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। हमेशा ध्यान रखिए जो अवतल दर्पण अवतल लेंस होता है वो इस टाइप का होता है, अंदर जो कटोरी के अंदर की सतह होती है उसे अवतल और जो बाहर की सतह होती है उसे उत्तल कहा जाता है। उभरा हुआ उत्तल, ऐसे ध्यान रखना, उभरा हुआ उत्तल और ये अवतल। तो उत्तल लेंस कहाँ होगा, निचले भाग में, और ये पास की वस्तुओं को देखने में काम आएगा। अबिंदुकता, इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती, यानी ये बता रहा है कि दो वस्तुएं रखी, एक खड़ी रखी एक आड़ी रखी है, तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों समान दूरी पर रखी हैं पर फिर भी रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाएंगी। इसका क्या कारण है कि जो कॉर्निया है आँख का, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो आँख है हमारी, इसमें आपने रेटिना भी देख लिया, लेंस भी देख लिया, ये हमारा आँख का कॉर्निया है। इस कॉर्निया की जो गोलाई होती है ये फिक्स है, और इस गोलाई में क्या होगी, ई रेगुलेशन या अनियमितता आ जाएगी। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे तो भले ही यहाँ हिंदी में लिखा हो बट आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो ई रेगुलेशन आ जाएगी कॉर्निया में, उसकी गोलाई के अंदर, तो उसके कारण ये दोष या ये डिफेक्ट्स और उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इसका निवारण या इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाएगा। वर्णांधता क्या होती है, इस प्रकार के दोष में मनुष्य में नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं, यानी इसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी व्यक्ति है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कलर के प्रति ही सेंसिटिविटी होती है, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से उन्हें दिखाए तो सब कुछ देगा, उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं वो उसमें डिफ्रेंशिएट या अंतर नहीं कर पाते। और ये क्या होता है, हेरिडिटिकल है यानी जन्म जाते आनुवंशिक है ये, और इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। इसके क्या कारण है कि मनुष्य की आँखों में शंखवाकर यानी जो कॉर्न्स कोशिकाएँ होती, कॉर्न्स, उनकी कमी होती हैं, जो जेनेटिकली होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जैसे मान लीजिए आपको रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। आपको मालूम ही होगा कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में रहा है कि एक 11th क्लास की स्टूडेंट ने कोर्ट के थ्रू मतलब ये रिक्वेस्ट की थी कि जो जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं, आपने सभी ने नोटिस किया होगा, उनके ऊपर एक
बॉक्स के अंदर एक कलर वाला होता है सिंबल, ग्रीन और रेड। ग्रीन मीन्स वेजिटेरियन एंड रेड मीन्स नॉन वेजिटेरियन। तो उसने ये डिमांड की थी कि सिर्फ सिंबल को नहीं बनाया जाए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी ह्यूमन बींग्स या कोई भी जो व्यक्ति है वो यदि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांतता से पीड़ित है तो वो इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि जो मैं फूड पैकेट ले रहा हूँ इसमें फूड पैकेट कोई भी आ सकता है। जैसे आप नूडल्स का पैकेट लेते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं, किसी का भी सेव का, उनके ऊपर देखिएगा आप, नोटिस कीजिएगा। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन होंगे उन पर रेड सिंबल बना होगा। तो क्या सिर्फ सिंबल को नहीं बनाया जाए क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसकी जगह वहाँ पर लिखा जाए कि ये वेज है और ये नॉन वेज है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आप इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। साथ ही अपने टॉपिक को मेंशन कीजिए कि आप किस टॉपिक की वीडियो मुझसे चाहते हैं और किस टाइप से चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए उसी टाइप की वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपकी तैयारी आज से ही बेहतर हो सके, क्योंकि कल की तैयारी के लिए हमें आज ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि हमें कल सफलता पानी है तो तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।